Good morning, all the students. I am Shivam Saxena, your social science teacher. In the previous module, we have discussed about tertiary sectors. And in detail, we also discussed about that which kinds of the services go under the tertiary sectors too. Today, we will compare all these three sectors and we will discuss about final goods and how these three sectors involve and participate in GDP of our country. So these topics we'll discuss today. Let's have a look. Just see. Comparing the three sectors, the various productions activity in primary, secondary and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. देखिए पूरी कंट्री में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सब इन थ्री सेक्टर्स के अंदर जाएंगे. यानी जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिनमें किसी भी लेवल से इकोनॉमी बनती है, पैसा बनता है या पैसे की अर्निंग होती है, तो दिस ऑल विल गो अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. ऑल्सो द थ्री सेक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल वर्किंग इन देम. तो अगर हम उसको कंपेयर करें तो पूरी कंट्री में इतनी ज़्यादा लार्ज प्रोडक्शन होता है या इतनी ज़्यादा लार्ज स्केल पे सर्विस दी जाती है और मैक्सिमम लोग जो हैं वो इन तीनों सेक्टर्स में जॉब करते हैं. कुछ गुड्स सेक्टर्स में जॉब करते हैं तो कुछ सर्विस सेक्टर में. द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज़ टू सी दैट हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मेनी पीपल्स वर्क इन ईच सेक्टर्स. कंपेरिजन के केसेस में हमें क्या करना है, कंपेरिजन जब पॉसिबल होती है व्हेन वी हैव अ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एनी थिंग्स, अदरवाइज द कंपेरिजन कैन नॉट बी पॉसिबल. जैसे मैं दो बच्चों के अगर नाम लेता हूँ, सपोज रोहन और सोहन, तो रोहन और सोहन के बीच में कंपेयर कैसे हो सकता है. अप टू वी आर नॉट हैविंग अ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एनी वन वी कैन नॉट कंपेयर देम. तो कंपेरिजन के लिए फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द न्यूमेरिक वैल्यूज फॉर देम ऑल. उन सब की हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यूज को फाइंड करेंगे कि एक पर्टिकुलर जो है टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड हाउ मेनी पीपल्स वर्क ऑन ईच सेक्टर. आप एक एवरेज निकालोगे कि इतना गुड्स प्रोड्यूस हुआ है और उसकी फाइनेंशियल यानी उसका मनी में इतनी वैल्यू है और इतने लोग उसमें वर्क कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग फाइनलाइज करेंगे कि इंडिया की जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसमें किस पर्टिकुलर सेक्टर्स का ज़्यादा पार्टिसिपेशन है और किसका लेस पार्टिसिपेशन है. तो ये पॉसिबल जब होगा व्हेन वी कंपेयर, एंड कंपेरिजन के लिए वी नीड अ न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ ऑल द सेक्टर्स. तो उस न्यूमेरिक वैल्यूज में कौन कौन सी न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकती है. द फर्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू होगी कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ है और कितनी सर्विस प्रोड्यूस हुई है. और सेकेंड न्यूमेरिक वैल्यू होगी कि कितने वर्कर्स हैं ईच एंड एवरी सेक्टर्स में. ठीक है, इन एन इकॉनमी देयर कुड बी अ वन और अ मोर सेक्टर विच आर डोमिनेटेड इन टर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट वाइल अदर सेक्टर्स इज रिलेटिवली स्मॉल इन साइज. ठीक है, अब किसी भी इकॉनमी में हो सकता है कि एक सेक्टर का डोमिनेंस हो. जैसे आप गांव में जाएंगे तो आप गांव में देख सकते हो प्राइमरी सेक्टर का डोमिनेंस है. आप जितने विलेज एरियाज में, इंटीरियर एरियाज में जाओगे तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फार्मिंग का काम करते हैं. तो व्हेन दे आर डूइंग अ फार्मिंग वर्क, तो फार्मिंग का काम करने वाले क्या है, प्राइमरी सेक्टर्स के मेंबर हैं. तो वहाँ पे उस विलेज एरियाज़ में किसका डोमिनेंट है, प्राइमरी सेक्टर का डोमिनेंट है. ऐसे आप कुछ ऐसे शहरों में जाओगे जहाँ बहुत इंडस्ट्री है तो वहाँ सेकेंडरी सेक्टर का डोमिनेंस, और जैसे कुछ ऐसे शहरों में जाओगे जहाँ पर सर्विस सेक्टर्स बहुत हैं जैसे दिल्ली है, मेट्रो सिटीज़ है, उनमें सर्विस सेक्टर का डोमिनेंस है. तो ऐसे अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग सेक्टर्स का क्या है, डोमिनेंस है. ठीक है, तो उन डोमिनेंस के केसेस में हम लोग डिस्कस करेंगे. सी हाउ डू वी काउंट. अब एक बड़ी सी प्रॉब्लम है कि अब पूरी कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है, इतना वर्क होता है, इतना प्रोडक्शन होता है, तो एक बड़ी सी प्रॉब्लम सबके सामने ये आएगी कि हाउ इट इज़ बीइंग काउंटेड. कैसे हम काउंट करके फाइंड आउट करें दैट विच सेक्टर इज प्रोवाइडिंग हाउ मच प्रोडक्शन एंड हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग फॉर दैट. एक एस्टिमेटेड वैल्यू ही कंसिडर की जा सकती है. इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू कन्फाइम द फाइनल वैल्यू. एक फाइनल और एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग कन्फर्म नहीं करा सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, तो ये होगा हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर्स. अब एक एग्जांपल के लिए हम मान के चलते हैं, एक टेबल है, हमने देखा एक टेबल बन गई है. अब उस एक टेबल को बनने में आयरन नेल्स भी लगा है, वुड भी लगी है, ठीक है एग्जांपल के लिए, और टेक्नोलॉजी और मेथड भी लगा है कि हम कैसे उस चीज़ को बनाएंगे. तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें भी लगी, आयरन नेल्स भी है, वुड भी है और टेक्नोलॉजी. जब एक टेबल का प्राइस आएगा तो उसमें उन सब के प्राइस जोड़े जाते हैं. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज़ फाइनल प्राइस. फाइनल कॉस्ट क्या होती है वो देखते हैं. देखिए
with so many thousands of the goods and services produced, you might think this is impossible task. Not only would be task will be enormous, you might wonder that how we could add up a car, computers, nails of furniture, it would be make no sense. आपको सोचिए कि अगर हम काउंट करने पहुँचे कि एक नेल आयरन नेल बनाने वाली कंपनी ने कितने नेल प्रोड्यूस किए, अब एक एक जगह पे कहीं कहीं पे नेल लगाए, किसी एक टेबल में 10 नेल लगे हैं, कहीं पे किसी और आयरन नेल लगे हैं, सो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आप हर एक चीज़ को काउंट कर पाओ, क्योंकि जब तक आप काउंट करोगे तब तक नेक्स्ट प्रोडक्शन हो जाएगा, सो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. तो स्पेसिफिक सिस्टम इज बींग adopted to compare the things and to finalize that how they all things should be compared. That is called final goods and service. कि final goods क्या है और final service क्या है, तो उसको हम एक अच्छे से example से समझ सकते हैं कि final goods होता क्या है. जो final goods होता है उसके price में जितने भी intermediate goods हैं या जो intermediate services हैं, this all thing has already being included. See, देखिए, to get around this problem, the economics suggested the value and of the goods services should be used rather than adding the actual numbers. For example, if 10,000 kilograms of the wheat is sold in a 8 per kilogram, the value of the wheat will be 80,000. देखिए, आप क्वांटिटी पे बात नहीं करेंगे, हम उसकी वैल्यू पे बात करेंगे. जैसे कि स्पेसिफिक प्राइस को डिसाइड कर दिया गया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि 10,000 किलोग्राम है, तो 10,000 को कैलकुलेट नहीं करोगे, उस 10,000 को जब हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 बेचने के बाद हमें कितना पैसा मिलेगा उसको हम फाइनल कंसिडरेशन में रखेंगे. अदरवाइज आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. द वैल्यू ऑफ द 5,000 कोकोनट्स एट 10 पर किलोग्राम्स पर कोकोनट्स विल बी 50,000. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप. तीनों सेक्टर्स की जो वैल्यू है मनी के फॉर्म में, कि भाई आपने इतना प्रोडक्शन किया, तो उस प्रोडक्शन को काउंट नहीं किया जाएगा कितना किया, आपके प्रोडक्शन की मार्केट और एक्चुअल वैल्यू क्या है, आपके प्रोडक्शन की गवर्नमेंट ऑथराइज एक्चुअल वैल्यू क्या है. तीनों सेक्टर के हर एक प्रोडक्शन की एक्चुअल वैल्यू निकाली जाती है और निकालने के बाद उनको सम अप और ऐड कर दिया जाता है, तो ये फाइनल गुड्स एंड सर्विस निकल के आता है. एक एग्जांपल के लिए हम ये समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक 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 फार्मर है, एक स्पेसिफिक एरिया है, तो इस स्पेसिफिक एरिया से एस्टिमेट लगाया जाता है कि लगभग इतने क्विंटल्स जो है वो उनका शुगर केन प्रोडक्शन होता है, तो उस उतने क्विंटल्स शुगर केन प्रोडक्शन का मार्केट वैल्यू पर क्विंटल के हिसाब से कितना होगा, वो उस एरिया का प्राइमरी सेक्टर हो गया. ऐसी एक फैक्ट्री लगी है, तो उस फैक्ट्री कितना शुगर बनाती है, तो कितनी जो आपका है कितने कंटेनर या कितनी बोरी चीनी बनाई उसने, पर बोरी का क्या कॉस्ट है, तो हर एक चीज़ की जो वैल्यू है वो मनी में कन्वर्ट करके, यानी क्वांटिटी नहीं है यहाँ पर, क्वांटिटी की जगह पे हम मनी कन्वर्शन के बाद एड अप करते हैं, तब हम इसको बना सकते हैं. देखिए, देयर इज़ अ वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक, नॉट एवरी गुड्स और सर्विसेज दैट प्रोड्यूस एंड सोल्ड टू बी काउंटेड. हर एक चीज काउंटेबल नहीं होती, इट मेक सेंस ओनली इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. आप एक फाइनल गुड्स ऐसा, पहले देखिए फाइनल गुड्स होता क्या है. फाइनल गुड्स वो है जो डायरेक्टली कंज्यूम होने जा रहा है, जो कंज्यूमर के पास डायरेक्ट कंज्यूम होने जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द फाइनल गुड्स. उस फाइनल गुड्स को बनाने के में सारी की सारी प्रीवियस गुड्स की कॉस्ट इंक्लूड है. जैसे देखिए, टेक फॉर इंस्टेंट अ फार्मर हु सेल अ वीट, एक एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, एक फार्मर है जो वीट को सेल करता है 8 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से. उसके बाद जो मिल है जो ग्राइंडिंग का काम करती है, उस वीट को पीसेगी और उसका आटा बनाएगी, यानी फ्लोर बनाएगी टू अ बिस्किट कंपनी, और उसको 10 रुपये पड़ता है. देखिए, 8 रुपये किलोग्राम के हिसाब से फार्मर ने बेचा. अब एक ध्यान से सुनिए, 1 किलोग्राम गेहूँ को फार्मर ने कितने रुपये में बेचा, 8 रुपये में. उसके बाद जो कंपनी है उसने 2 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से अपना ग्राइंडिंग का चार्ज लगा लिया, तो गेहूं से आटा बनने के बाद जो 1 किलोग्राम आटा पड़ा है वो 10 रुपये का हो गया. द बिस्किट कंपनी यूज फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर ऑयल, ठीक है. अब बिस्किट कंपनी है, एक बिस्किट कंपनी है जो बिस्किट बना रही है, तो उसने बिस्किट पहले 8 रुपये का तो आटा खरीद लिया, और 2 रुपये उसका ग्राइंडिंग का चार्ज चला गया, तो 10 रुपये का उसको फ्लोर पड़ा है. उसके अलावा वो बिस्किट बनाने में क्या क्या यूज़ करेगी, शुगर यूज़ करेगी, ऑयल टू मेक द बिस्किट पैकेट्स, पैकेट्स ऑफ द बिस्किट्स को बनाने के लिए यूज़ करेगी, एंड इट सेल द बिस्किट इन द मार्केट्स टू कंज्यूमर टू द 15 पैकेट्स के 60 रुपये कॉस्ट के हिसाब से वो पे करता है. अब आप खुद सोचिए, जो 15 पैकेट्स के अंदर बिस्किट्स होंगे, उसमें जितने भी नंबर ऑफ बिस्किट्स होंगे, एक बिस्किट को बनाने में जितनी कॉस्ट लगी होगी उसमें वो सारी कॉस्ट इंक्लूड होगी.
आप जो एक बिस्किट कंज्यूम करने जा रहे हैं, जैसे एग्जांपल को मान के चलो कि इन्होंने 15 पैकेट जो है वो 60 रुपए के बेचे, ठीक है। अब एक मान के चलिए कि जो भी कॉस्ट एक पैकेट को बनाने में लगी होगी, उसमें फ्लोर की भी कॉस्ट जुड़ी होगी, ऑयल की भी कॉस्ट जुड़ी होगी, सर्विस भी जुड़ी होगी क्योंकि बनाए गए हैं बिस्किट, और उसके अलावा मार्केट्स का जो टैक्स होगा वो भी जुड़ा होगा। वो सब जुड़ के जब पैकेट आपके पास आता है तो उसमें सारी, अब आपने उसको जितने में खरीदा है उतने में आपने सबको पैसा पहुंचाया, उसमें वो 8 रुपये भी इंक्लूड हैं जो फार्मर को दिए हुए हैं, वो 2 रुपये भी इंक्लूड हैं जो ग्राइंडर्स को दिए हुए हैं, और वो सर्विस की भी इंक्लूड है, या ऑयल जो यूज़ हुआ है या जो चीनी यूज़ हुई है बनाने में, उसके में जितना पैसा लग रहा है वो भी इसमें इंक्लूड है। सो दिस इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स मीन्स द गुड्स विच इज़ गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। अब बिस्किट में कंज्यूम कर रहा हूँ तो उस बिस्किट के एक बिस्किट की कॉस्ट में हर एक चीज़ जो उस बिस्किट को बनाने में लगी है उन सब के पैसे इंक्लूड हो गए। तो अगर हम उन सारे सब की चीज़ों को अलग अलग इंक्लूड ना करके सीधे बिस्किट की कॉस्ट को इंक्लूड कर लें, देखिए अगर आप इंडिविजुअल इंक्लूड करोगे कि भाई फार्मर को अलग पैसे इंक्लूड कर रहे हो, इसके अलावा ग्राइंडिंग के अलग पैसे इंक्लूड कर रहे हो, इसके अलावा ऑयल जो यूज़ हुआ उसके लिए अलग यूज़ कर रहे हो, तो ये कभी कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने एक सजेशन दिया था, दैट सजेशन वॉज वेरी गुड, इट वॉज फाइनल गुड्स एंड फाइनल सर्विस चार्ज। तो फाइनल गुड्स कौन सा होता है? वो जो डायरेक्टली कंज्यूम्ड हो रहा है बाय द कंज्यूमर, जो चीज़ हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं वो आपका फाइनल गुड्स की कैटेगरी में जाता है, और उस फाइनल गुड्स में हर वो चीज़ इंक्लूड होती है जो उस गुड्स को बनाने जा रहा है, और अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ कंजप्शन ओनली। देखिए आप अल्टीमेटली किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन क्यों किया जाता है? ताकि वो कंज्यूम हो, और कंज्यूम होने के बाद बंदा उसको खरीदने के लिए पैसे दे। मार्केट से वो चीज़ें बाहर हो जाती हैं जो लोग खरीदना बंद कर देते हैं। तो अल्टीमेट क्या है? कंजप्शन ही है। बेटर से बेटर आप जब बनाओगे, क्योंकि आपको ज़्यादा से अच्छे अच्छे ग्राहक मिले और वो उसको कंज्यूम करें, ठीक है। तो आई थिंक द फाइनल गुड्स इज क्लियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन अ कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द फर्दर पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। थैंक यू।